पिछले कुछ समय से हरियाणा में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है। तहसील हो या पुलिस थाने, अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जा रही है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई बड़े रैंक के अधिकारी शामिल हैं। ये कमेटी ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसेगी जो लोगों का काम बिना किसी सुविधा शुल्क लिए नहीं बिना करते हैं। भ्रष्टाचार और नई कमेटी के मुद्दे पर गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला से हमारे ब्यूरो चीफ कपिल गौड़ ने खास बातचीत की, सुनिए। हरियाणा में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को संभालने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर पैनी नज़र रखेगी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए गुरुग्राम से भाजपा के विधायक सुधीर सिंगला जी मौजूद हैं। सिंगला साहब, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो कमेटी गठित की है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कितनी फायदेमंद होगी ये लोगों के लिए, क्योंकि लोग त्रस्त है भ्रष्टाचार से गुरुग्राम के अंदर भी और हरियाणा के अंदर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट मीटिंग करी थी और उसके अंदर एक कमेटी बनाई है जो हर एंगल के भ्रष्टाचार जो भी होंगे और जो कोई कंप्लेंट करेगा हम, तो उसके बेस के ऊपर जो है एक्शन लेगी। और बहुत इफ़ेक्टिव कमेटी जिसे कहते हैं वो बनाई है। वैसे भ्रष्टाचार की कहीं भी बात अगर मुख्यमंत्री को आती है, देखिए कांग्रेस की सरकार थी जिसमें भ्रष्टाचार हो जाया करता था लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया करते थे। ये मनोहर जी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार कभी हो जाता है वो तो मनोहर जी की सरकार है, उसके अंदर FIR भी दर्ज होती है, उनके केस भी चलते हैं और उसको नौकरी से निकालना पड़ता है तो नौकरी से भी निकाला जा रहा है वो। तो जहाँ तक है हमारी कोशिश ये रहेगी कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सर, भ्रष्टाचार में भी ट्रेंड जो है उसमें बदलाव आया है। पहले छोटे छोटे अधिकारी की संलिप्तता ज़्यादा पाई जाती थी लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़े लेवल के जो अधिकारी है उनको हम देखते हैं कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अगर गुड़गावा की भी बात करें तो IPS अफसर तक भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त पाए गए हैं। HPSC के लिए भी नागर साहब जो थे वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ही क्या इस कमेटी का गठन किया गया? ऐसे अफसर भी हैं, उन्हीं के लिए नकेल कसने के लिए जो है कमेटी गठित की गई है। और मैं तो कह रहा हूँ, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर जो पहले भी भ्रष्टाचार हुआ करते थे और बड़े बड़े भ्रष्टाचार थे, कांग्रेस का तो मेन उद्देश्य ही भ्रष्टाचार करना था और उसके बेस पे वो आधार के ऊपर ही वो कांग्रेस पार्टी साफ हो गई वो। और मनोहर जी की सरकार आई है, लोगों को उम्मीद भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार की कहीं भी आवाज़ उठती है तो उसके लिए जो है एक्शन लिया जा रहा है। और ये मनोहर जी की सरकार है जिसके अंदर कोई भ्रष्टाचारी अगर दिखता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो हम अपनी सरकार के अंदर एक काम कर सकते हैं कि हम छिपा भी सकते हैं, छिपा नहीं रही सरकार और सरकार उनको उजागर करने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और हरियाणा में जो भ्रष्टाचार के को कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल की कमेटी गठित की गई है। खैर, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर कितनी लगाम कसी जाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, जगरणी 4 न्यूज़, गुरुग्राम।